डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, आज हम आईसीटी में बात करने वाले हैं 2012 से लेके 2020 तक जितने भी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो सभी हम करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं आपको बहुत बार कहता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मैं आपको आज विद प्रूफ दिखाने वाला हूं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये क्वेश्चन हो सकता है 2021 में भी इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल है 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक है, एक और फाइल है, ये क्वेश्चन 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन है। और सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों 2012 में कैसा क्वेश्चन आया है फुल फॉर्म से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है। ये देखिए ये क्वेश्चन आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, यहाँ पे ASCII इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे इन्होंने पूछी है, तो इसका मतलब है दोस्तों आंसर भी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। यही क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुआ है दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और दोस्तों हमारे ICT में बहुत से टॉपिक है, उन सभी टॉपिक पर मैं बारी बारी बात करूंगा कि किस में कौन से टॉपिक में कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए। अभी देखिए दोस्तों दिसंबर 2012 में क्वेश्चन आया ALU और इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं दोस्तों फुल फॉर्म से रिलेटेड, ये देखिए WWW की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसका मतलब है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर है, ये बिल्कुल आसान है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों फुल फॉर्म से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये सभी टॉपिक करने वाले हैं दोस्तों, और अदर जो जितने भी टॉपिक है यहाँ पे दोस्तों FTP की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो इसका आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है। और उसके बाद में हम ये देखिए ये आ गया CSS, ये आगे आया है, आगे दिखाएंगे किस तरह से आया है। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों कैस्काइडिंग स्टाइल सीट है इसका आंसर। और आगे है MOOC, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOC ये भी आया है दोस्तों। और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और ये सभी हमने मार्क किए हुए हैं दोस्तों पहले से ही ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए दोस्तों ASCII ये दोबारा से रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये देखिए जून 2016 का क्वेश्चन पेपर है, और पहले यही क्वेश्चन हमारा कब रिपीट हुआ था, 2012 के अंदर रिपीट हुआ था, और दोबारा फिर यही क्वेश्चन आ गया ASCII। इसकी फुल फॉर्म हमने देखी थी दोस्तों आंसर ए, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों आगे है हमारे पास क्वेश्चन, ये देखिए HTTP की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी हुई है, तो इसका आंसर है टू हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक होता है दोस्तों HTTPS जिसमें सिक्योर होता है, तो वो ये क्वेश्चन भी आगे रिपीट हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से रिपीट हुआ है। और आगे देखिए दोस्तों आगे आता है हमारा DVD की फुल फॉर्म है, यहाँ पे आंसर थ्री है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है दोस्तों, ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, इन सभी के बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए ये हमारा USB से रिलेटेड है, इसका आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। और देखते हैं दोस्तों और कैसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं। और दोस्तों ये देखिए हाँ ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे USB यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये हमारा ऊपर भी आया था, ऊपर देखते हैं
कहाँ पे आया था, ये देखिए, ये रहा यूएसवी, यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये कब आया था हमारा क्वेश्चन, ये देखिए, ये है नवंबर 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था, और यही क्वेश्चन यूएसवी से रिलेटेड आगे फिर से हमारा रिपीट हुआ है। ये देखिए, ये रहा, ये क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ये 18 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, और इसमें फिर से रिपीट हुआ है यूएसवी। यूएसवी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। और दोस्तों, अगर आपको नेट और जीआरएफ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2012 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए उन सभी को कीजिए, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखिए कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे आईसीटी में देखिए कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, रिसर्च में देखिए, कम्युनिकेशन में देखिए। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका नेट और जीआरएफ बिल्कुल आसानी से हो सकता है दोस्तों। और अगर आप ये पीडीएफ लेना और अगर आप ये क्वेश्चन पेपर लेना चाहे दोस्तों, तो ये ले सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए निमीजनेट, उसके अंदर आपको ये मिल जाएंगे पेड कोर्स के अंदर। अब देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास आ गई RFID, इसकी फुल फॉर्म इन्होंने पूछी है। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों आंसर 3, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखिए DNS, इसके बारे में हमने पहले एक बार बात की थी क्लास के अंदर, डोमेन नेम सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और देखते हैं PDF, PDF हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ही इसका आंसर है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से करते तो बिल्कुल आसानी से आपका नेट और जीआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास MIME, और इसकी फुल फॉर्म देखते हैं आंसर 4 है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आगे दोस्तों हमारे पास एक, ये देखिए, ये रह गया हमारे पास IRC, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेट रिले चैट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये सभी हमने थ्योरी में भी करवाई हुई है दोस्तों, आप थ्योरी क्लासेस देख सकते हैं, उनके अंदर हमने इनके बारे में बताया हुआ है। और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसके अंदर। और ये देखिए हमारा, ये 2018 ही चल रहा है दोस्तों, ये आ गया सिम, आ गया सिम आमतौर पे हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, आप सभी को पता है। आंसर 4 है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका आंसर है। और देखते हैं और किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, और ये है 22 दिसंबर 2018 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। और इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने HTTPS के बारे में पूछा हुआ है, और पहले जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों वो केवल HTTP के बारे में था। तो HTTP की फुल फॉर्म थी दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इतनी थी। यहाँ पे S लगा दिया दोस्तों, तो S का मतलब होता है सिक्योर होता है, और यहाँ पर इन्होंने स्टैंडर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी रोंग है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। और यही इन्होंने पूछा हुआ कि एट लीस्ट मैच, यानी कि कौन सा सबसे कम मैच कर रहा है, तो ये आंसर नंबर 4 ये रॉन्ग हो जाएगा। HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S का मतलब है सिक्योर, ना कि स्टैंडर्ड, ठीक है। और एक ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारी फुल फॉर्म TRW, TRW की अभी हम ऊपर करके आए ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था शायद 2013 के अंदर आया था। TRW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये हम आपको दिखा देता हूँ हमारा कब हुआ था, ये क्वेश्चन कब आया था, आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, अभी हम करके आए थे पीछे। और हाँ, ये रहा देखिए, ये जून 2013 के अंदर आया है, TRW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आप अच्छे से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इस तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल आसानी से अपना नेट और जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और पेपर फर्स्ट का तो हम पूरा का पूरा पैकेज आपको दे ही रहे हैं, आपको नोट्स दे रहे हैं, थ्योरेटिकल वीडियोज़ दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दे रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें दे रहे हैं दोस्तों। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हमारे। ये ICR का ये तो हमने कर ही लिया, ये भी कर लिया हमने, और ये हाँ 22 दिसंबर पे आए हुए थे हम, 22 दिसंबर का हमने कर लिया, ये कर लिया। आगे हम देखते हैं, हाँ ये आ गया 2019 का क्वेश्चन पेपर, और 2019 में देखते हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और इसके अंदर ये देखिए, कई ये नई नई चीज़ें भी पूछ लेते हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। देखिए WYSIWYG स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या है, ये नई चीज़ें भी पूछ लेते हैं, ऊटपटांग चीज़ें पूछ लेते हैं, तो हमें इनको भी देखना ज़रूरी है। इसका आंसर है दोस्तों व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ये इसका आंसर है। कई चीज़ें हमारी आउट ऑफ सिलेबस आ जाती है UGC नेट के अंदर, तो कोई बात नहीं, उनसे घबराना नहीं चाहिए।
और आगे हम देखते हैं, ये देखिए एलसीडी की फुल फॉर्म इन्होंने पूछ ली, यहाँ पे इसका आंसर नंबर 4 है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये 2018 के अंदर जो क्वेश्चन आया था यहाँ पे लाइट दिया हुआ था दोस्तों, लाइट ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 वहाँ पे पहले दिया हुआ था, तो वो हमारा गलत था। तो इसका राइट आंसर क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आगे देखते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन आए हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड। ये देखिए VLE की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी हुई है, और ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ये 21 जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है, और इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों VLE की आंसर 3, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आगे देखते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन आए हैं हमारे, और ये देखिए इसके अंदर ये जैसे, हाँ ये देखिए CRT की फुल फॉर्म यहाँ पे इन्होंने पूछी हुई है, CRT की फुल फॉर्म है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब, ये इसकी फुल फॉर्म है। और यहाँ पे इन्होंने ये पूछा कि लिस्ट मैच यानी कि कौन सा कम मैच कर रहा है वो हमें बताना है। अब देखिए रोम की हमें फुल फॉर्म पता है, रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलत दिया हुआ, गलत आंसर दिया हुआ, रैपिड ओनली मेमोरी दिया है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे CPU की इन्होंने दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसकी बिल्कुल राइट है दोस्तों, तो ये हमारी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 3 ये रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आगे देखिए दोस्तों RGB की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी हुई है, तो इसका मतलब है रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रह गया फुल फॉर्म से रिलेटेड ही है, संकल्प, संकल्प की इन्होंने फुल फॉर्म पूछी हुई है, और इंग्लिश में देखते हैं यही क्वेश्चन हमारा है या नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, यहाँ पे हिंदी में देखते हैं संकल्प की फुल फॉर्म, आंसर 3 है, इसका है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रोमोशन। संकल्प की यहाँ पे फुल फॉर्म हम देख लेते हैं हिंदी के अंदर, ऑप्शन सी दिया हुआ स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है। तो थोड़ी सी ऊट पटांग भी आ सकती है दोस्तों, तो हमें डरना नहीं है। और आगे देखते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन आए हैं हमारे फुल फॉर्म से रिलेटेड, और मैं आपको, आप बने रहना, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे 2020 में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे CPU, अच्छा ये तो अलग वो है, इसके बारे, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उनके बारे में हम बात करेंगे। और आगे देखते हैं कि ये देखिए SMTP की सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये SMTP की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी हुई है। और देखते हैं, और ये देखिए NMEICT, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, इसका आंसर 2 है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और देखते हैं दोस्तों और किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये आ गया हमारा WORM, इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है, तो आंसर 3 है, राइट वंस रीड मैनी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो जो हमारे रैम रोम है उससे दोस्तों बहुत क्वेश्चन आते हैं। और अब ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32, और ये है हमारा, देखते हैं, ये देखिए 2 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, और इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है WWW की फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। आप देख सकते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन WWW का 3 बार रिपीट हुआ है, आपके सामने देख लीजिए दोस्तों विद प्रूफ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। तो अब आ गया ना यकीन आपको कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो देख लीजिए दोस्तों। और आगे मैं और भी बहुत सी वीडियो बनाने वाला हूँ, ये तो केवल एक ही टॉपिक है ICT के अंदर फुल फॉर्म का टॉपिक कर रहे हैं आज हम, इसके अलावा और भी मैं धीरे धीरे सभी टॉपिक बताऊंगा कि मेमोरी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए, सॉफ्टवेयर से, सोशल मीडिया से, और बहुत से टॉपिक है हमारे, कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन रिपीट हुए, लैंग्वेज से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत 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 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों, आप ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे, और इसीलिए आपका नेट और जीआरएफ रह जाता है। और मैं बार बार आप सभी को एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर कीजिए, ठीक है। ये देखिए ये आया है वीडियो की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी है, आंसर 3 है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है। ये देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, PCI स्टैंड फॉर, इसका आंसर है 3, पेरिफेरल
कंपोनेंट इंटरकोनेक्ट इसका आंसर है दोस्तों। आगे दोस्तों डेटा बेस WOS स्टैंड फॉर, WOS किसके लिए स्टैंड करता है, इसका आंसर है एक वेब ऑफ साइंस इसका आंसर है। और देखते हैं और हमारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि किस तरह से रिपीट हुए हैं, और 2020 में भी दिखाएंगे दोस्तों, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और एक एक टॉपिक आपको करवाएंगे, हम बहुत अच्छे से करवाएंगे। और ये थ्योरी हमने करवाई हुई है, आप थ्योरी वीडियोस देख सकते हैं। और ये देखिए URL से भी क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, अभी दिखाऊंगा 2020 के अंदर क्वेश्चन आए हैं URL से रिलेटेड। और सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इस फाइल में और कोई क्वेश्चन है या नहीं है, नहीं इसमें सारे क्वेश्चन आ गए दोस्तों। अब हम बात कर, ये तो थे हमारे 2012 से लेके 2019 तक, अब 2020 की बात करते हैं दोस्तों। 2020 में अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं हमारे सितंबर अक्टूबर नवंबर में, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आए हैं हमारे फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पे CD ROM की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी हुई है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मॉनिटर एंड कंप्यूटर, ये क्वेश्चन डिटो कॉपी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया है। और आगे दोस्तों हमारे पास BIOS, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है दोस्तों, पहले इन्होंने वो अलग तरीके से पूछा हुआ था BIOS के बारे में, यहाँ पे इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है, आप ध्यान में रखना। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, अपने जितने भी टॉपिक है ना, जैसे ये देखिए, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए वो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा, हर एक टॉपिक आपको करवाऊँगा, आपको किसी भी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है। निमिज नेट पर जो चीज़ करवाई जाएगी आपको वो कहीं भी नहीं मिलेगी। और ये देखिए दोस्तों, GIF की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी हुई है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे है। और देखते हैं URL का, अभी मैंने बताया था ना पीछे, URL का क्वेश्चन आया हुआ था 2019 के अंदर, और दोबारा से फिर इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे है। तो आप देख सकते दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप ये कीजिए दोस्तों, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कीजिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों टॉपिक वाइज अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपका नेट और GRF हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने CPS की फुल फॉर्म पूछी हुई है, साइबर फिजिकल सिस्टम, यहाँ पे इसका आंसर है। और आगे देखते हैं आगे किस तरह से हैं, यहाँ पे देखिए OCR की फुल फॉर्म पूछी हुई इन्होंने, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और देखते हैं दोस्तों और कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये तो नहीं है, ये अलग है, ये भी अलग है हमारा। यहाँ पे CDMA, ये भी हमारा सिम से रिलेटेड है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसकी फुल फॉर्म है। और देखते हैं और किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने पूछा है BCD की फुल फॉर्म, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका आंसर है। और हमने जितनी भी फुल फॉर्म है दोस्तों, अलग अलग काफ़ी फुल फॉर्म है, वो हमने थ्योरेटिकल वीडियोस के अंदर करवाई हुई है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट चेक करना, ICT की प्ले लिस्ट मिलेगी आपको, आप वो चेक करना, हमने फुल फॉर्म से रिलेटेड थ्योरी भी आपको करवाई हुई है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 2012 से लेके 2020 तक ICT में फुल फॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे मेमोरी का, या कोई और टॉपिक लेके आएंगे ICT में कि किस तरह से उसमें से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, अगर आपको नेट या GRF क्वालिफाई करना है तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कीजिए, जैसे रिसर्च के आज तक जो क्वेश्चन आए वो कीजिए, ICT के कीजिए, कम्युनिकेशन के कीजिए, ऐसे करेंगे ना तो आपका नेट और GRF बिल्कुल आसानी से क्लियर हो सकता है। और दोस्तों अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम रुपयों के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कीजिए, वहाँ से भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल ही कम रुपयों के अंदर हम आपको कोर्स दे रहे हैं और बहुत अच्छे से स्टडी करवा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।
दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।